कमिश्नर व आईजी ने किया रायबरेली जिले का दौरा। देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जनहा केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है और इसको लेकर सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश में कोविड 19 के चलते चल रहे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए लगातार निर्देश दे रही है। रायबरेली में भी चल रहे लॉकडाउन की व क्वारंटीन केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज कमिश्नर मुकेश मेश्राम व आईजीएस के भगत ने जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम का जायजा लिया, वहीं जिला अस्पताल का भी दौरा किया और आचार्य द्विवेदी नगर में बने क्वारंटीन केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खालसा चौक पर बैठे गरीबों से भी बात की। दरअसल रायबरेली जिले में अभी तक कोरोना के दो पॉजिटिव मामले सामने आए थे और दोनों व्यक्ति जमाती थे और सहारनपुर के रहने वाले थे। उसके बाद से अभी तक जिले में किसी भी नए मरीज के न मिलने से जिला प्रशासन ने चैन की सांस तो जरूर ली, लेकिन लगातार वो लॉकडाउन का पालन कितना हो रहा है और क्वारंटीन केंद्रों के क्या हाल है, इसकी जांच के लिए क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। आज इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम व आईजीएस के भगत ने जिले का दौरा किया और लॉकडाउन से लेकर क्वारंटीन केंद्रों व कंट्रोल रूम व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जिला अधिकारी व एसपी स्वप्निल मंगाई को भी निर्देश दिए। इस बीच कमिश्नर ने शहर के खालसा चौक के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला से बात भी की और उससे पूछा कि खाना मिला कि नहीं और खाने में क्या मिला। जब वृद्धा ने बताया कि खाने में पूरी सब्जी मिली, ये सुनकर मेश्राम आगे के लिए रवाना हो गए। कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने बताया कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है कि नहीं, जनता को कोई समस्या हो रही है तो उसका निस्तारण कैसे हो रहा है। सतही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है, किसी भी व्यक्ति में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी या बदन दर्द जैसा कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा। साथ ही लोगों में जागरूकता के निर्देश दिए गए। ऐसे में एक तो यह देखा जाना कि लॉकडाउन पूरी तरीके से इसका अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, और साथ ही साथ जनता की समस्याओं को डे टू डे बेसिस पर उनको जानने और साथ ही साथ उसके निस्तारण के लिए जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं, और ये भी देखा जाना है हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके जिसमें लक्षण प्रकट हो रहे हों कोरोना के, खासतौर पर सूखी खांसी, फीवर या सांस लेने में कठिनाई या बदन दर्द, इस तरीके के जो भी लक्षण है वो। और लोगों से हम अनुरोध ये करना चाहेंगे कि जो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आया है उसको जरूर डाउनलोड कर लें और उसके जरिए जो एक उसमें प्रश्नोत्तरी होती है उसको अगर वो भर देते हैं तो पता चल जाएगा कि वो कितने स्वयं सुरक्षित है, उनका अपना मूल्यांकन हो जाता है। तो इसको भी हम लोग इंश्योर कराने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी ओर ये देखा जाना था कि राशन या दवाइयाँ या जो भी ज़रूरतमंद या व्यक्ति है कोई भूख से, उसको कम्युनिटी किचन के जरिए राशन और ड्राई राशन या फिर भोजन के पैकेट समय पर उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सभी की व्यवस्थाओं के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल